हाय, हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो ये वीडियो बिल्कुल अलग है। इसमें मैं आपको कोई रेसिपी नहीं बताने वाली हूँ, इसमें ना छठ पूजा की तैयारी के लिए कुछ बताने वाली हूँ आपको। तो हमारे यहाँ जब छठ पूजा होती है ना, तो जो चूल्हा होता है वो बिल्कुल अलग बनाया जाता है और उसी की तैयारी हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल मिट्टी को भिगो दिया गया था, मतलब मम्मी ने भिगो दिया था, और इसमें ना थोड़ा सा सूखा भूसा डाल के और इसको अच्छे से ना साना या गुथा जाता है, बिल्कुल अच्छे से स्मूथ किया जाता है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से ना एक के ऊपर एक चिपक सके आराम से। तो यहाँ पे मम्मी मिट्टी को अच्छे तरीके से बना रही हैं भूसा डाल के। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जो चूल्हा होता है उस पर नहीं प्रसाद बनता है, प्रसाद बनाने के लिए बिल्कुल अलग चूल्हे का प्रयोग किया जाता है ताकि अच्छे से सब फ्रेश फ्रेश हो। वो जो डेली चूल्हे पे खाना बनता है गैस वगैरह पे नहीं बनाया जाता है। या तो आप ऐसा चूल्हा बना सकते हैं या ईटे का ऐसे चूल्हे का सेप देके उस पर खाना बना सकते हैं, और आम की लकड़ी पे बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ है, आपके यहाँ अगर ऐसा कुछ होगा तो कमेंट करके बताइएगा। तो मिट्टी का चूल्हा बनाना बहुत आसान है। इस तरीके से मिट्टी को ना भूसा डाल के ऐसे नीट कर लेना है, और उसके बाद ऐसा लंबा सा लोई लेके और ऐसे ना बोड़े पे फ्लैट कर देना है, इस पर फैलाना है आपको बिल्कुल इक्वली, बस ऐसे ना चौकोर ऐसे आपको पीट पीट के हाथ से, और इसको बिल्कुल फैला देना है। तो आगे आप देखती रहिए कैसे फैलाया जा रहा है। इस पर बहुत ईजी है बनाना, बस आप एक बार ध्यान से देख लेंगे ना तो आराम से बन जाएगा। तो यही छठ की प्रिपरेशन है, और बहुत सारी रेसिपी मैं डालने वाली हूँ तो आप वो वीडियोज़ भी देखिएगा। तो यहाँ पे जैसे मम्मी फ्लैट कर रही हैं इसी तरीके से आपको भी इसको अच्छे से फैलाना है। अगर मिट्टी कम लगे तो आप साइड साइड से लेते जाइए और इसको इक्वल करते जाइए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और मेजरमेंट भी मैं बताऊंगी कि कैसा होना चाहिए। 3 बित्ते का मतलब हाथ से ऐसे नाप लेना है आपको, और लंबाई भी इसकी 1 ही बित्ते की होनी चाहिए, 1 बित्ता और 2 इंच, 2 उंगली के हिसाब से इतना ही होना चाहिए। और इसको ना चारों तरफ से बिल्कुल बराबर फ्लैट करना है। अगर मिट्टी ख़त्म हो जाए तो आप ऐसे थोड़ा सा भूसा डाल के उसमें ऐसे टाइट बना सकते हैं उसको, अच्छे से नीट करके, ताकि उसमें कोई कर्ड ना रह जाए। ऐसे बहुत अच्छे से स्मूथ होना चाहिए मिट्टी। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये फ्लैट हो गया है। इसी तरीके से आपको भी फ्लैट करना है और इसको एकदम इक्वल कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 बित्ते का हो गया है, थोड़ा सा कम है, तो वो मिट्टी बढ़ा बढ़ा के ऐसे खींच खींच के इक्वल कर लीजिएगा सेम तरीके से। और इसको ना एकदम फ्लैट कर देना है, चारों तरफ से एक बराबर होना चाहिए। आप सब देख सकते हैं ना, बिल्कुल ये चौकोर हो गया है अच्छे से। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। ये अभी पहला इसका बेस बन रहा है, और अभी इसको घुमाया जाएगा, इसको ना थोड़ी देर ना ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, 4 घंटे के लिए बस छोड़ना है इसको, ताकि ये बिल्कुल टाइट हो जाए थोड़ा सा। अभी ये बहुत गीला है तो इसको अगर हम उठाएंगे तो ये टूट जाएगा, उठेगा ही नहीं, ऐसे गिर जाएगा। तो इसको 4 घंटे के लिए हमें छोड़ देना है। और ये 3 बित्ते का हो गया है, आप सब देख ही सकते हैं। तो बस इसी तरीके से इसको फ्लैट कर लेना है और इसको छोड़ देना है हमें। तो अब मिलते हैं कुछ देर बाद, 4 घंटे के बाद। तो इसको मम्मी उठा रही हैं, तो मैंने बस साइड से हेल्प कर दिया, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो इसी तरीके से आपको भी उठाना है इसको, पहले फ्लैट करने के बाद ना आपको कुछ देर ऐसे ऐसे ही छोड़ देना है, और यहाँ पे ऐसे ही घुमाना है। आप देख सकती हैं यू आकार में इसको घुमाना है, बिल्कुल साइड से थोड़ा थोड़ा और इधर से भी थोड़ा थोड़ा, चारों तरफ से ऐसे घुमा देना है इसको। इस तरीके से आप भी घुमाइएगा ताकि आराम से ना ये घूम जाए, नहीं तो बहुत समस्या होने लगती है। और आपको जो पीछे ये क्रैक्स दिख रहे हैं ना, उसको आपको मिट्टी लगा लगा के भरना है। तो जैसे जैसे ये कर रही हैं, चूल्हा बना रही हैं, वैसे वैसे आप भी बनाइएगा तो आपका भी बन जाएगा। तो यहाँ पे जो पीछे क्रैक दिख रहा है ना, उसमें आपको मिट्टी लगा के भर देना है, और ऊपर से मिट्टी निकाल देनी है, ताकि जब ना हम मिट्टी लगाएं इसके ऊपर थोड़ी देर बाद, जब ये सूख जाएगा तो ये आराम से चिपक जाए। अगर इस तरीके से रहेगा तो मिट्टी इस पे चिपकेगी ही नहीं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ऊपर से ये मिट्टी हटा रहे हैं थोड़ी थोड़ी, और बाद में हमें इस पे मिट्टी लगाना है, तो उसकी चिंता आप ना कीजिए। तो यहाँ पे मैंने इस पे लगा इसको ना अच्छे से मम्मी ने सेट कर दिया, और पीछे जो क्रैक्स दिख रहे हैं उसमें यही ऊपर वाले मिट्टी से ना इसको अच्छे से भर देंगी मम्मी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी कर लेना है।
तो यहाँ पे हमारा जो चूल्हा है एक साइड से थोड़ा सा गिरा हुआ दिख रहा है, तो वो उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो बाद में सही हो जाएगा। बीच में ईंट लगा रहे हैं ताकि अच्छे से इसका जो आकार है वो अच्छे आकार में बन के आइए। और जब आप भी बनाइएगा तो बीच में ईंटा ज़रूर रखिएगा ताकि इधर उधर ना फैलिए, जिस शेप में हम रखें उसी शेप में रहें। और ऊपर से आपको ऐसे ना इक्व प्लेन नहीं करना है, बिल्कुल उबड़ खाबड़ रखना है ताकि जब हम ये सूख जाएगा और मिट्टी लगाएंगे तो आराम से मिट्टी लग जाए इस पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ना, मिट्टी साइड साइड से लगा के और जो क्रैक्स है उसको भर रही है मम्मी, और आपको भी इसी तरीके से भरना है। तो छठ पूजा आप सबकी फेवरेट है कि नहीं? मेरी तो बहुत फेवरेट है। तो यहाँ पे हमारा जो चूल्हा है वो बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल यू आकार का है, यू आकार की घाटी। तो इसी तरीके से आपको भी बना लेना है, और इसको ना कुछ देर हम छोड़ देंगे ऐसे ही सूखने के लिए। कुछ देर बाद आप देख सकते हैं अब हम ईंट निकाल देंगे, मतलब पूरे रात एक दिन के लिए छोड़ देना, पूरे रात के लिए नहीं, पूरे एक दिन के लिए। ऐसे ही टाइट हो जाता है सूख के। तो अब फिर से मिट्टी में भूसा डालना है और उसके बाद इसको अच्छे से नीड करना है आपको, प्रॉपरली अच्छे से नीड होना चाहिए मिट्टी। गीला रहेगा तो थोड़ी सी समस्या आएगी, जो ये मिट्टी है ना ही सूखी होनी चाहिए ना ही ज़्यादा गीली होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए। तो ये जो ऊपर उबड़ खाबड़ दिख रहा था इस पर पानी डाल रही हैं, और अब इस पर जब मिट्टी लगाया जाएगा ना तो वो आराम से पकड़ लेगा, नहीं तो अगर प्लेन होता तो वो मिट्टी चिपकेगी नहीं, तुरंत टूट जाता चूल्हा। तो ये बात तो आपको ध्यान रखनी ही है। तो इसी तरीके से आप भी मिट्टी लगाइएगा जैसे लगाया जा रहा है यहाँ पे, और बीच में आपको ना थोड़ा सा होल कर लेना है, वो मैं बताऊंगी कहाँ पे थोड़ा सा गहरा रहेगा, ताकि ना क्या होता है कि जब धुआं निकले तो आराम से निकल जाए। तो इसी तरीके से मिट्टी इस पर लगाते जाना है, जितना हम मिट्टी निकाले थे उस टाइम मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। तो इसी तरीके से अब आपको ना इसको अच्छे से प्लेन कर लेना है, अब आपको कोई टेंशन नहीं है, जितना अच्छा सजाने उतना अच्छा आप इसमें सजा सकते हो। तो इस तरीके से आपको जितना बड़ा बनाना है, वैसे एक ईंटे से थोड़ा सा कम होना चाहिए, मेजरमेंट तो आपको बताया था लंबाई 3 बित्ते की होनी चाहिए और इसकी जो चौड़ाई है वो एक ईंटे के बराबर होनी चाहिए। तो उस तरीके से इस तरीके से लंबाई एक ईंटे से थोड़ी सी कम, यानी 1 बित्ते और 2-3 इंच होना चाहिए, इस तरीके से समझिएगा। और जब मिट्टी कम हो जाए तो थोड़ा सा भूसा डाल के और इसको अच्छे से नीट कर लीजिए और ऊपर लगाते जाइए। बस ये थोड़ा सा बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, 2 दिन लग जाते हैं इसे बनाने में, लेकिन बनने के बाद बहुत खूबसूरत। यहाँ पे जो देख रहे हैं ना आप, बीच में होल कर रही हैं मम्मी, थोड़ा सा ऐसे अंदर एम की तरह दिख रहा है। तो इसी तरीके से, और इसकी लंबाई आप देख ही सकती हैं, कीटे से थोड़ा सा कम है, 1 बित्ता 2 इंच। तो इसी हिसाब से आपको भी करना है, और उसके बाद ना आपको इसको प्लेन करना है। तो आगे भी मिट्टी लगाइएगा ताकि अच्छे से ये थोड़ा सा सुंदर दिखे। तो हमारी छठ की तैयारी तो हो गई है, आपकी हुई है कि नहीं कमेंट करके बताइएगा। तो हमारे यहाँ तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि नए चूल्हे पे खाना बनता है, जो पुराना चूल्हा होता है उस पे नहीं बनता है, बिल्कुल अलग चूल्हा बनाया जाता है, एकदम फ्रेश उसी पे बनाया जाता है। तो इस तरीके से आप भी बताइएगा आपके यहाँ क्या क्या होता है कमेंट में। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो मेरा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। तो यहाँ पे मम्मी देख सकते हैं आप ना प्लेन कर रही हैं, तो आपको भी इसी तरीके से प्लेन करना है, बिल्कुल बराबर चारों तरफ से देखते रहना है कि कहाँ ऊबड़ खाबड़ तो नहीं है, कहीं से ऐसे गिर तो नहीं रहा है, तो वो सब आपको भी ध्यान देना है। जब आप इसे ना, जैसे जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, सबसे बेस बनाने के बाद आपको उसको 4-5 घंटे के लिए छोड़ देना है कि ताकि वो थोड़ा सा टाइट हो जाए। उसके बाद आपको जब इसे घुमाना है ऐसे यू आकार में, तब आपको पूरे दिन के लिए छोड़ देना है तेज़ धूप में, और अगर धूप ना हो तो दो दिन में से ही छोड़ दीजिए छाया में। और उसके बाद आपको ना इस पर मिट्टी लगानी है, मिट्टी लगाने से पहले इसको ऊबड़ खाबड़ करना है, वो आपको तो सब ध्यान ही दिए होंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं सारा चूल्हा प्लेन हो गया, और तवा रखने पे बिल्कुल सही आकार आ रहा है। तो इस तरीके से मेजर कर लेने से कोई घाटा नहीं होता है हमें। और यहाँ से जहाँ से मैंने बोला था ना थोड़ा सा ऐसे गहरा कर लेना है, वहाँ बहुत अच्छा शेप आया है इसमें, आप सब देख ही सकते हैं चारों तरफ से। तो जो ये हमारा चूल्हा है वो अच्छे से बन के तैयार हो गया है, अब उसका जो नीचे रखने के लिए उसे बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे मम्मी बस एक सर्कल कर देंगी
ताकि जब चूल्हे को हम रखें छत पे या कहीं पे भी, तो आराम से उसका जो शेप है वो बैठ जाए, नीचे फटे ना, जले ना, ऐसे कुछ नहीं हो, और इससे अच्छा भी दिखता है। तो बस जितना चूल्हा है उससे थोड़ा सा 4 इंच बड़ा ये गोला है। इस तरीके से आप देख सकते हैं बिना किसी इक्विपमेंट के कितना अच्छे से गोल बना देंगी मम्मी। यहाँ देख सकते हैं ना कितना अच्छा गोल बन गया है। अब बस इसको सूखने देना है तेज़ धूप में। तो हमारा चूल्हा जो बन के तैयार हो गया है, तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। बनाना बहुत सिंपल है, आपने देखा ही, बस टाइम थोड़ा सा लेता है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, आपकी छठ की तैयारी के लिए क्या क्या बनता है वो कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।